जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारे देश में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियां थी, तो उनको खत्म करने के लिए कौन कौन से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, जैसे कि सती प्रथा का अंत करने के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन से प्रयास किए गए, ठीक है, बाल हत्या को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, विधवा पुनर्विवाह के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। तो इस वीडियो में, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर का ये वाला वीडियो है, इसमें हम इन्हीं सब चीजों पर डिटेल के साथ में बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश में जो भी कुरीतियां रही हैं उनको खत्म करने के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए गए, ठीक है, और अंग्रेजों ने भी हमारे देश से कुरीतियों को हटाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए। देखिए, सबसे पहले 1828 में जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उनका नाम था राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो 1829 में वो अंग्रेज गवर्नर विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर 1829 में इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा को रोकने के लिए एक कानून लेकर आए, ठीक है, अंग्रेजों के साथ में मिलकर, मतलब कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो वो और राजा राम मोहन राय, इनके संयुक्त प्रयास के माध्यम से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और इसके बाद इसके लिए दंडात्मक कानून भी निर्मित कर दिए गए, यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला को जलाकर मार देता है, ठीक है, उसके पति के मरने पर उसको जलाता है, तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए। मतलब इस तरह से जो हत्या की जाएगी जलाकर, वो भी एक साधारण हत्या की तरह ही माना जाएगा, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से हमारे देश में सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, शिशु हत्या या बाल हत्या पर भी प्रतिबंध किस तरह से लगाया गया। देखिए, प्राचीन काल से हमारे देश में लड़कियों की जन्म के दौरान ही उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था, मतलब उनको मार दिया जाता था, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए, इसके लिए भी अंग्रेजों के जमाने में ही, यानी कि 19वीं शताब्दी में कानून बनाए गए और बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। और इसमें ऐसा कानून बना दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति बाल हत्या करता है तब क्या किया जाएगा, तब उस व्यक्ति ने जो हत्या की है, बाल हत्या की है, उसको भी साधारण हत्या की तरह अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो बाल हत्या, ठीक है, सती प्रथा, इसके लिए ये कानून बनाए गए। और इसके अलावा यदि हम देखें, देखिए, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, यदि कोई महिला एक बार विधवा हो जाती थी उस टाइम पर, तो उसको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, और ऐसा धर्म ग्रंथों में भी था, ठीक है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने वेदों के आधार पर, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को वैध ठहराया, ठीक है। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, इनका जो टाइम है, ये 1891 तक इनका टाइम है, 1820 से लेकर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह को वैध बताने के लिए इन्होंने वेदों का सहारा लिया, और इन्होंने धर्म ग्रंथों के अनुसार ही सिद्ध कर दिया कि वेदों में लिखा है कि विधवा पुनर्विवाह वैध है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने प्रयास किए। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए ढेर सारे प्रयास किए, ठीक है, लोगों को घर घर जाकर समझाने की कोशिश की, ठीक है, समाज में ये प्रचार किया, ठीक है, समाज सुधार के लिए। और ये जो थे, ये कलकत्ता कॉलेज ऑफ, ये जो कलकत्ता में एक कॉलेज था, तो उसके ये कौन थे, प्रोफेसर थे, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के, ठीक है, तो उसके ये प्रोफेसर थे, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए। अब दोस्तों देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो बाल विवाह हमारे देश में होता रहा है प्राचीन काल से, ठीक है, तो उस बाल विवाह को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। देखिए, बाल विवाह को रोकना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह, ठीक है, बाल विवाह जो है, यह बच्चों के शारीरिक विकास, उनके मानसिक विकास, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है शैक्षणिक विकास पर। यदि किसी बच्चे की या लड़कियों की या लड़कों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाएगी, तो उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जो बाल विवाह था, ये हमारे देश में एक बहुत ही बुरी कुरीति रही है, और इसको खत्म करने के लिए ढेर सारे अंग्रेजों ने कानून बनाए, और आजादी प्राप्त करने के बाद भी हमारे देश में बाल विवाह को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कानून बनाए गए थे। देखिए, बाल विवाह को खत्म करने के लिए सर्वप्रथम नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया। क्या पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। और इसमें क्या था, नेटिव मैरिज एक्ट में इसमें था कि 14 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनका विवाह यदि किया जाता है तो वो अपराध माना जाएगा, और यदि 14 वर्ष या उससे अधिक है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, ठीक है। लेकिन 14 वर्ष आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी
ही कम उम्र है, ठीक है। इस उम्र में कोई भी व्यक्ति उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है और ना ही उसके शरीर का और मानसिक विकास हो सकता है, ठीक है। तो ये नेटिव मैरिज एक्ट की बात है 1872 में। तो इसके बाद इसमें भी कुछ सुधार किया गया और 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया और इसमें तो और भी ज्यादा कम एज बता दी गई विवाह की। इसमें था कि 12 वर्ष की उम्र की लड़कियों का यदि विवाह किया जाता है तो वो वैध माना जाएगा। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह वर्जित किया गया सम्मति आयु अधिनियम 1891 में, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया गया, देखिए इसमें भी बदलाव कर दिया गया। तो इसके बाद देखिए 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शारदा एक्ट था 1930 में पारित किया गया। और इसको पारित कराने में किसका प्रमुख योगदान रहा है शारदा एक्ट में, हरबिलास शारदा, ठीक है। हरबिलास शारदा के अथक प्रयासों के बाद जो शारदा एक्ट पारित हुआ 1930 में, 1930 में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 18 वर्ष लड़कों की आयु निर्धारित की गई थी विवाह की और 14 वर्ष लड़कियों की, ठीक है। लेकिन लड़कियों की फिर भी अभी 14 वर्ष थी, ये काफी कम आयु होती है। तो इसके बाद क्या किया गया, देखिए इसके बाद अंग्रेजों के टाइम पर तो इसी तरह चलता रहा 1930 के बाद, लेकिन आजादी प्राप्त करने के बाद 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन किया गया, ठीक है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978, ठीक है। तो जो 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना था, इसको इस अधिनियम को शारदा अधिनियम में ही संशोधन करके इसको बनाया गया था। इसमें क्या था कि जो शारदा एक्ट में लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष थी, तो इसमें बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई लड़कों की, और लड़कियों की 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं क्या वर्तमान में लड़कियों की जो ये आयु है विवाह करने की 18 वर्ष, ये उचित है क्या? 18 वर्ष में कोई भी लड़की उचित शिक्षा प्राप्त कर सकती है या फिर उसका मानसिक विकास हो सकता है? ये बायोलॉजिकल माध्यमों से ये तो सिद्ध हो गया कि शारीरिक विकास हो सकता है, लेकिन हमें शारीरिक विकास नहीं देखना है आधुनिक भारत में, ठीक है। यदि भारत को अधिक डेवलप करना है तो हमें महिलाओं को भी उसी तरह से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, देखिए शिक्षा प्राप्त करने के हम लोग ढेर सारे अवसर देते हैं महिलाओं को, लेकिन यदि उनको एक प्रॉपर एक एज लिमिट फिक्स कर दी जाए शादी की, ठीक है, तो इसमें एक मानसिक दबाव भी रहता कि यदि इससे कम उम्र में शादी करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस दबाव के कारण, ये जो मानसिक दबाव रहेगा, तो इसके कारण कम से कम उन्हें पढ़ने लिखने का टाइम तो मिलेगा, मौका तो मिलेगा। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि अभी भी लड़कियों की उम्र शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की आवश्यकता है, 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी जाए, लड़कों की भी 21 वर्ष कर दी जाए, सेम करने की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है? तो आप लोग बता सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया 1978 में, ठीक है, तो इसमें यह प्रावधान था। देखिए हमारे जो ढेर सारे समाज सुधारक रहे हैं, उन्होंने भी बाल विवाह का विरोध किया है, ठीक है। उन्होंने अपने अपने हिसाब से महिलाओं की या लड़कों की विवाह की उम्र निर्धारित की है। देखिए जो एक प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो इन्होंने किस तरह से अपने हिसाब से आर्य समाज में एक महिलाओं की विवाह की उम्र निर्धारित की है, इन्होंने लड़के की विवाह की उम्र 25 वर्ष निर्धारित की है न्यूनतम उम्र, और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कम से कम इन्होंने बताई है 16 वर्ष, ठीक है। तो 16 वर्ष इन्होंने लड़कियों की बताई, जो भी ये भी काफी ही कम है, तो ये भी पूर्णतः सत्य या पूर्णतः सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न समाज सुधारकों ने और अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे जितने भी समाज सुधारक रहे हैं, इन्होंने जो भी समाज सुधार का काम किया है, तो वो कहीं ना कहीं उनको अंग्रेजों का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग जरूर मिला है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जरूर सुधार किए हमारे देश में आकर, यहाँ पर जितनी भी कुरीतियां थी इनको खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं। तो इस बात के लिए हम अंग्रेजों की सराहना कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने ये जो सब किया वो अपने ही हित के लिए किया था, ठीक है। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए किस तरह से आंदोलन चलाए गए और किस तरह से इसमें लोगों ने अपना योगदान दिया, किस तरह से हमारे देश में जाति व्यवस्था धीरे धीरे अंग्रेजों के टाइम में यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में
कम हुई। देखिए सबसे पहले अंग्रेजों ने एक बहुत ही अच्छा काम यह किया था जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, कि उन्होंने सभी वर्ण के लोगों को या फिर सभी वर्ग के लोगों को सेना में एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों में उन्होंने स्थान देना चालू कर दिया था। यानी कि सेना में सभी लोग जा सकते थे, चाहे वो दलित हो या फिर उच्च जाति का लोग हो, सवर्ण हो या कोई भी हो, ठीक है, सेना में जा सकता था और अन्य प्रशासकीय कार्यों में भी वो नियुक्त करते थे अंग्रेज सभी को समान रूप से। अंग्रेज इस तरह का भेदभाव नहीं करते थे जाति आधारित, ठीक है, हालांकि वो काले और गोरे में मतभेद जरूर करते थे, ठीक है, जब बात अंग्रेज और भारतीयों की आती थी तब वो मतभेद करते थे, लेकिन भारतीयों और भारतीयों के बीच में मतभेद नहीं करते थे, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे मिडिल क्लास में हो या अपर क्लास में हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो इस तरह का भेदभाव नहीं करते थे। तो इसका परिणाम देखिए क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने उनको प्रशासकीय कार्यों में नियुक्त करना शुरू किया छोटे तबके के लोगों को, तो इसका परिणाम सबसे अच्छा यह हुआ कि जो जाति व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि जो छोटे लोग थे उनकी भी अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी और वो उच्च पद पर जाने लगे, तो जाति व्यवस्था का बंधन थोड़ी थोड़ी ढीला यहाँ से पड़ने लगा। तो ये भी जो जाति व्यवस्था धीरे धीरे कम हुई तो वो अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों ने शिक्षा चालू की थी पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा वो सभी के लिए एक समान रूप से दी जाती थी, ठीक है। तो भारत के जो भी दलित वर्ग के नेता थे, जो भी दलित वर्ग के लोग रहे हैं, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया, पाश्चात्य साहित्य पढ़े, अंग्रेजी साहित्य पढ़े और उनको एक वर्ल्डली ज्ञान हो गया, एक वर्ल्ड लेवल का ग्लोबल ज्ञान हो गया, ठीक है। अब वो लोग सारे विश्व को समझने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़े जो उस टाइम के महानायक निकल कर आए उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उन्होंने क्या किया 1927 में, 20 मार्च 1927 में एक महाड़ सत्याग्रह नाम का आंदोलन चालू किया, ठीक है। देखिए जो महाड़ सत्याग्रह आंदोलन है इसकी हम हिस्ट्री आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो महाड़ है ये एक स्थान है, ठीक है, एक नगर निगम परिषद है महाड़, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, कहां पर क्यों किया, देखिए वहां पर एक महाड़ में जो महाड़ स्थान है नगर निगम परिषद, वहां पर एक तालाब है, सार्वजनिक तालाब था, ठीक है। तो वहां उस तालाब में सभी लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, सभी का मतलब जो निचले तबके के लोग थे उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या किया कि सभी लोगों के साथ मिलकर एक आंदोलन किया, सत्याग्रह टाइप का आंदोलन, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जाकर, ठीक है, उस तालाब का सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने पानी पिया, ठीक है, और उनके लोगों की इस भ्रम को तोड़ दिया कि उस तालाब का पानी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। और ये जो 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ था, वो क्यों हुआ था आखिर आंदोलन, देखिए इसका इतिहास ये है कि 1923 में, ठीक है, 1923 में अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ठीक है, एक प्रस्ताव पारित किया था कि मतलब जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, ठीक है, या जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उनका इस्तेमाल गरीब अमीर सभी तबके के लोग समान रूप से करेंगे, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है। तो जो चौदार तालाब था महाड़ स्थान का, ठीक है, तो चौदार तालाब एक सार्वजनिक संपत्ति थी लेकिन वहां पर दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो इसी कारण से क्या हुआ, देखिए 1923 में ये प्रस्ताव बना, ठीक है, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और 1924 में वहां की नगर निगम परिषद ने, महाड़ की नगर निगम परिषद ने इस प्रस्ताव को लागू कर दिया, लेकिन फिर भी हिंदुओं के विरोध के कारण, सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण यह नियम लागू नहीं हो पाया। तो इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहां पर यह आंदोलन किया, महाड़ सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। और इसके बाद 1937 में ये केस, ये जो पूरा का पूरा मामला था, कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट में भी वहां पर फैसला जो आया वो फैसला ये था कि सार्वजनिक संपत्ति है चौदार तालाब जो महाड़ का, वहां पर सभी लोग पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से जाति प्रथा धीरे धीरे कमजोर होने लगी, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रयास था अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेजों ने इसमें बहुत ही ज्यादा योगदान दिया, ठीक है। यदि वो ऐसा प्रस्ताव ना लाते तो शायद ये स्थिति अभी भी हम भयानक स्थिति में डूबे होते, ठीक है। अंबेडकर जी के प्रयास से ये इतना बड़ा काम यहाँ पर हो गया। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ही वहीं पर उसी चौदार तालाब के आसपास मनुस्मृति भी जलाई गई थी और समानता का संदेश देश को उन्होंने दिया था। मतलब असमानता जो थी उसको कहीं ना कहीं हटाना, यही सभी लोगों का मकसद उस टाइम पर रहा है, जितने भी समाज सुधारक थे, ठीक है।
तो मनुस्मृति जलाने का उद्देश्य मात्र यही था कि हम लोग समानता को फॉलो करेंगे और जो हम आजादी प्राप्त करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे उसमें समानता को एक प्रमुख स्थान दिया जाएगा, ठीक है। और समानता का मतलब ऐसा ऐसी समानता कि मतलब समान न्याय सभी को दिया जाएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, ठीक है, और उनको मतलब अवसर की समानता सभी लोगों को दी जाएगी। अब यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको कुछ रिजर्वेशन टाइप की एक छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में हमारे संविधान में है, ठीक है। तो ये उस तरह किया गया, मनुस्मृति 1927 में जला दी गई। देखिए जो 20 मार्च 1927 को ये महासत्याग्रह आंदोलन हुआ था, इस दिन को सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 20 मार्च को हमारे देश में। और ये क्यों मनाया जाता है आप लोग समझ चुके होंगे, 20 मार्च 1927 को क्या हुआ था, महासत्याग्रह आंदोलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, हालांकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बन पाए थे, लेकिन जो ठोस कानून नियम बने वो आजादी प्राप्त करने के बाद ही बने। हमारे देश के संविधान में समानता को एक प्रमुख स्थान दिया गया, ठीक है, मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया, ठीक है। जो मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 17 है, यानी कि 17 आर्टिकल है, उसमें स्पष्ट लिखा है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक स्थान हो या सार्वजनिक प्लेस हो, कोई भी हो, सार्वजनिक वस्तु हो, ठीक है, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं भी हो, ठीक है, मंदिर हो, तालाब हो, कुआं हो, सभी में, सभी स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर वहां पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है, जाति या धर्म के आधार पर, हालांकि अन्य आधार हो सकते हैं। देखिए छुआछूत एक ऐसी चीज है, जैसे वर्तमान में मान लीजिए कि कोरोना है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति बोले कि आप हमें नहीं छू रहे हैं, तो ये देखिए महामारी है, तो ये देखिए जैसे कोरोना है तो ये महामारी है, यह एक बीमारी है जो कि संक्रमण से फैलती है, ठीक है, इसका संक्रमण होता है, तो इसलिए इसको छुआछूत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और भी जैसे अन्य कोई डिसीज है जो कि संक्रमण से फैलते हैं तो उनको भी छुआछूत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जाति या धर्म के आधार पर, ठीक है, या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव करता है तो इसको अपराध माना जाएगा, और ये हमारे संविधान में एक प्रमुख स्थान है, ये इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी हम लोग बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जैसे हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं वहां पर भी समाज को ये मतलब समानता लाने के लिए प्रयास करेगा राज्य, ठीक है, तो ऐसे शब्द वहां पर यूज किए गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे संविधान का उद्देश्य ही है एक समता मूलक समाज का निर्माण करना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देश में समानता धीरे धीरे लाई गई और जो कुरीतियां थी उनको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया गया। अब वो प्रयास चाहे भारतीय समाज सुधारक रहे हों या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, किए तो सभी ने, ठीक है, ये सभी के मतलब ये एक दूसरे के मिलने से ही संभव हो पाया, ठीक है। हालांकि अंग्रेजों का उद्देश्य कुछ अलग ही रहा है यहाँ पर समानता लाने का, ठीक है, उनका उद्देश्य ये देखिए, एक तरफ तो अंग्रेज समानता ला रहे थे, दूसरी तरफ धर्म पर आधारित भेदभाव भी वो करते जा रहे थे। हम लोगों ने जैसे आपको 1857 के रिवोल्ट में बताया कि अंग्रेजों ने क्या किया, ये 1857 के बाद धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। तो एक तरफ उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे समाज का ध्रुवीकरण किया, यानी कि दो भागों में हमारे समाज को बांटना चालू किया, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये कुछ अच्छे काम किए कि जाति आधारित भेदभाव उन्होंने बंद कराने के लिए ढेर सारे कानून बनाए, प्रयास किए किए और अन्य कुरीतियों को, चाहे वो सती प्रथा रही हो, बाल विवाह रही हो, विधवा पुनर्विवाह चालू कराया, ठीक है। तो ये सब अंग्रेजों के सहयोग से संभव हो पाया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर का अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे एकदम डिटेल के साथ में, कोशिश करेंगे, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की, सभी की मेंस एग्जाम के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।